नमस्ते भाइयों, एंड्रॉइड बड़ी में आप सभी का स्वागत है। लेके आ गया हूँ एक और नया फोन और आज के वीडियो में हम लोग करेंगे इसका अनबॉक्सिंग। आज के वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले वीवो के V27 का। इस साल का जो नंबर सीरीज आया यानी कि वीवो V27 और 27 प्रो, इन दोनों में डिफरेंसेस बहुत ही कम है, बल्कि दोनों डिवाइस बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर आप लोग परचेस करेंगे वीवो V27 तो कोई भी पता नहीं पाएगा कि ये 27 है या फिर 27 प्रो। जनरली दूसरे साल जो नंबर सीरीज आता था उसमें से प्रो सीरीज कुछ हटके दिखता था, कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को लगता था, लेकिन इस बार दोनों ही फोन बिल्कुल सेम टू सेम लुकिंग है। प्रोसेसर को छोड़ के ज्यादा कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस है ही नहीं, और साथ ही में इसको मैंने फ्लिपकार्ट के ऊपर से परचेस किया है, तो यहाँ पे क्या कुछ प्राइसिंग पड़ा, क्या कुछ डिस्काउंट मुझे मिला, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीवो V27 का अनबॉक्सिंग। तो भाई लोग देख सकते हो, ये है वीवो V27 का बॉक्स पैकेजिंग। फ्रंट के ऊपर देख सकते हो V27 और वीवो का लोगो है, और दोनों ही लोगो ऐसे कलरफुल लोगो है जैसे देख सकते हो। पीछे की तरफ देखोगे कुछ की स्पेसेस मेंशन है, साथ ही में यहाँ पे सार वैल्यू भी मेंशन किया गया है। सार वैल्यू आप लोग चेकआउट कर सकते हो, जिन लोगों को सार वैल्यू के बारे में जानकारी चाहिए वो लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसका प्राइस है ऑनलाइन में 32,999, जो आप लोग फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो, लेकिन मेरे एक दोस्त ने इसको परचेज किया है और उसे इसका प्राइस पे करना पड़ा 25,768। कैसे पड़ा मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2,500 रुपीस का कार्ड डिस्काउंट मिलता है, कुछ कुछ सिलेक्टेड क्रेडिट कार्ड के ऊपर 2,500 रुपीस का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। साथ ही में उसने एक फोन एक्सचेंज किया था जिसके ऊपर उसको अलग से 3,000 रुपीस का एक्सचेंज बोनस मिला। सब कुछ मिला के उसको 25,768 में ये फोन पड़ा। तो अब चलो इसको अनबॉक्स करके दिखा देते हैं। फ्लिपकार्ट का रिटेल बॉक्स है और देख सकते हो यहाँ पे बिल मेरे पास है, बिल में आप लोग प्राइसिंग देख सकते हो 25,768। चलो अभी अनबॉक्स करके आप लोग को दिखा देते हैं क्या है बॉक्स के अंदर में। बॉक्स को फर्स्ट में ओपन करते ही यहाँ पे फर्स्ट में प्रेजेंट हो जाता है वीवो का V27 देख सकते हो, और यहाँ पे मेरे पास जो कलर है ब्लू कलर में है, और ये ब्लू कलर ही मस्त कलर है क्योंकि यहाँ पे कलर चेंजिंग पैटर्न भी देखने को मिलता है जो काफी कूल लगता है। और साथ ही में देख सकते हो पीछे में बड़ा एक कैमरा मॉड्यूल है, साथ ही में देख सकते हो ये ऑरा फ्लैशलाइट दिया गया है। फ्रंट की तरफ देख सकते हो एक कर्व डिजाइन वाला डिस्प्ले है जो कि बहुत ही मस्त देखने को लगता है, और थोड़ा सा नैरो होने के कारण हाथ में ग्रिप करने में इजी होता है। हालांकि डिस्प्ले जो है 6.78 इंच का है, थोड़ा बड़ा डिस्प्ले है, इसलिए जो है ऊपर की तरफ को रीच करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन मीडिया कंजम्पशन के लिए काफी मस्त डिस्प्ले बनाया गया है। चलो अभी इसको साइड में रखते हैं और अंदर में देखते हैं क्या कुछ और मिलता है। बॉक्स के अंदर देखोगे तो यहाँ पे कुछ यूजर मैनुअल मिलेगा यहाँ पे, और वारंटी कार्ड वगैरह यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को। साथ ही में एक टीपीयू केस दिया गया है, और टीपीयू केस काफी अच्छे से फिट हो जाता है। फिट करने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरह का लगता है। साइड से कर्व जो एरियाज है, कर्व एरियाज भी यहाँ पे थोड़े बहुत कवर्ड है, लेकिन इसको बहुत संभाल के आप लोग यूज कीजिए क्योंकि कर्व डिस्प्ले होने के कारण यहाँ पे डैमेजेस के चांसेस हो सकते हैं, तो संभाल के यूज करना पड़ेगा इसको। और साथ ही में यहाँ पे बॉक्स के अंदर देखोगे तो यहाँ पे वीवो का फ्लैश चार्ज मिलता है जो कि एक 66 वाट का फ्लैश चार्ज है, काफी फास्ट चार्ज करता है फोन को, और थोड़ा सा भारी भी है पावर अडैप्टर। और फाइनली यहाँ पे देखने को मिलता है एक USB A to USB C केबल, और साथ ही में सिम इजेक्टर पिन जिसका सेप कुछ इस तरह से दिया गया है जैसे देख सकते। तो ये थे बॉक्स कंटेंट। बॉक्स कंटेंट को अभी साइड में रखते हैं और फोन को हम देख लेते हैं। तो ये है फोन, देख सकते हो फोन के कवर को अभी के लिए हटाते हैं हम लोग रिव्यू पर्पज से, लेकिन हमेशा इस कवर को लगा के रखना क्योंकि इसमें बहुत ही डेलिकेट डिवाइस है, मतलब हाथ पे पकड़ने पे एकदम नाजुक होता है ना, उस तरह का फील लगता है क्योंकि साइड से एकदम पतला है। देख सकते हो दोनों तरफ से यहाँ पे कर्व हो रहा है, इसके वजह से साइड से एकदम ही पतला है, हाथ में होल्ड इजीली हो जाता है, लेकिन थोड़ा डेलिकेट भी लगता है, और कर्व होने के कारण और ज़्यादा डेलिकेट बनाता है इसको। फोन के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। फ्रंट पे 6.78 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन के अंदर इनबिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर आप लोगों को देखने को मिलता है, और फ्रंट की तरफ देखोगे तो यहाँ पे एक पंच होल के अंदर 50 मेगापिक्सल का एक ऑटो फोकस कैमरा देखने को मिलता है। पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जिसके अंदर में मेन सेंसर है 50 मेगापिक्सल का विथ OIS, साथ ही में एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का, साथ ही में एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। और यहाँ पे ये जो फ्लैश लाइट है ये ऑरा ग्लो फ्लैश लाइट है जिसके वजह से लो लाइट में भी काफी अच्छे पोर्ट्रेट फोटोज आप लोग कैप्चर कर पाओगे। नीचे वीवो का ब्रांडिंग दिया गया है देख सकते हो। बॉटम की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा सिम ट्रे है, प्राइमरी माइक है, टाइप सी का पोर्ट है, साथ ही में प्राइमरी स्पीकर्स आप लोगों को मिलेंगे। टॉप की तरफ देखोगे तो टॉप में यहाँ पे सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक है, और लेफ्ट साइड पूरा खाली है, और राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे पावर बटन
और वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं। सिम ट्रे के अंदर देखोगे तो यहाँ पे डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आप लोगों को देखने को मिलता है, तो यहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का कोई जगह आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर, जो कि एक काफी पावरफुल प्रोसेसर है। आपको गेम खेलना है, आपको डेली लाइफ में यूज करना है, कुछ भी करना है, आप लोग सब कुछ कर सकते हैं इस डिवाइस के अंदर, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। साथ ही यहाँ पे दो वेरिएंट में फोन आता है, एक है 8GB 128GB, दूसरा है 12GB 256GB। 8GB का प्राइस है 32,999 और 12GB का प्राइस है 36,999। उसके ऊपर आप लोगों को डिस्काउंट वगैरह मिलते रहते हैं, तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिए वो सब। अगर आप लोगों को कोई फोन एक्सचेंज करना है तो वहाँ पे आप लोगों को 2500 से 3000 का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो अगर कोई एक्सचेंज करना है तो यही सही टाइम है, आप लोग एक्सचेंज करके Vivo V27 में अपग्रेड कर सकते हो। इस फोन का जो बैटरी है थोड़ा सा कम है, 4600 mAh का बैटरी है, लेकिन यहाँ पे जो फास्ट चार्जर दिया गया है 66 वाट का, उसमें से आप लोग सिर्फ 19 मिनट में 50% चार्ज कर पाओगे। तो अगर आप लोग भूल गए हो चार्ज करने को, इसको सुबह में चार्ज पे लगाओ, विद इन 90 मिनट्स ये 50% तक चार्ज हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फोन के पीछे का पोर्शन एक हाइलाइटिंग फीचर है, यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है, देख सकते हो। अभी जो लाइट ब्लू कलर का है, इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ता है तो इसका कलर जो है डीप ब्लू हो जाता है, कुछ इस तरह का कलर बन जाता है। मैं यहाँ पे लाइट लगा के दिखा रहा हूँ, लेकिन सनलाइट के अंदर देखोगे तो यहाँ पे डीप ब्लू कलर आ जाता है। इसके ऊपर कोई भी चीज़ रखोगे तो उसका शेप ले लेता है और कलरफुल देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। वीवो के ये नंबर सीरीज जनरली फोटोज़ के मामले में काफ़ी अच्छा रहता है, खास करके सेल्फीज़ के मामले में। तो यहाँ पे कैमरा काफ़ी अच्छा क्वालिटी का दिया गया है, पीछे में भी 50 MP का मेन है और फ्रंट पे भी 50 MP का सेल्फी कैमरा आप लोगों को मिल जाता है। कुछ फोटो सैंपल्स मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ अभी के लिए, लेकिन इसका एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू मैं आप लोगों के लिए जल्दी से लेके आ जाऊँगा, तो उसका आप लोग डेफिनेटली इंतजार कीजिए। तो वहाँ पे डिटेल में बताऊंगा इसका फोटो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी आप लोगों को क्या कुछ मिलता है। एक ओवरव्यू के लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, फ्रंट पे देखेंगे तो यहाँ पे 4K रेजोल्यूशन का वीडियो आप लोगों को देखने को मिलता है फ्रंट कैमरे से। जनरली वीवो ओप्पो इन फोन्स में फ्रंट कैमरे में 1080p 60fps या 1080p 30fps का वीडियो रिकॉर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे 4K वीडियो का सपोर्ट मिल जाता है आप लोगों को। रियर कैमरे में देखेंगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को 4K 30fps का वीडियो रिकॉर्ड करने को मिल जाएगा। इसके फिंगरप्रिंट को मैंने सेटअप कर लिया है, तो चलिए देख लेते हैं कैसा फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। देख सकते हो काफी फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर है, इंस्टेंटली अनलॉक कर रहा है, जो कि होना भी चाहिए। अभी हम लोग इस डिस्प्ले के अंदर एक वीडियो प्ले करके देख लेते हैं कैसा क्वालिटी मिलता है। फोन के अंदर देखोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम 4K रेजोल्यूशन का HDR वीडियो आप लोग प्ले कर सकते हो, 4K 60fps का HDR वीडियो प्ले हो जाता है। यहाँ पे पूरा फुल स्क्रीन व्यू आप लोगों को मिलेगा, काफी इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा, जैसे आप लोग देख सकते हो काफी अच्छा क्वालिटी का यहाँ पे डिस्प्ले लग रहा है। साइड में कर्व होने के कारण बहुत ही प्रीमियम लगता है, देख सकते हो एक्सट्रीम एंगल से भी कलर्स जो है चेंज नहीं हो रहा है और डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया देखने में लग रहा है। इसका ऑडियो क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं, ऑडियो कैसा आप लोगों को यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना यहाँ पे डिसेंट क्वालिटी का ऑडियो मिलता है आप लोगों को, ना ही बहुत ज़्यादा लाउड है ना ही बहुत ज़्यादा लो है, मीडियम रेंज का यहाँ पे वॉल्यूम लाउडनेस मिलता है और साथ ही में ऑडियो क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि एक चीज़ यहाँ पे अगर होता तो और अच्छा हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स नहीं देखने को मिलता है। इसके कम रेंज के फोन्स में भी आराम से स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलता है, ये इस फोन का एक ड्रॉबैक है। इस फोन के अंदर आप लोगों को फ्रंट टच OS 13 मिलता है, जो कि एंड्रॉइड 13 के ऊपर बेस्ड है, लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन मिलता है, जो कि एक काफी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफी सारे ब्लूटूथ प्री इंस्टॉल देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं बहुत सारे गेम्स वगैरह भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है और अभी तक तो मुझे कोई ऐड देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगर ऐड मिलता है तो ये एक ड्रॉबैक मुझे लगता है और इतने सारे ब्लूटूथ का कोई भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मीडियम रेंज के अंदर फोन आता है, यानी कि लोअर रेंज तो नहीं है, अपर मिड रेंज कहना चाहूंगा, लेकिन उसमें भी इतने सारे ब्लूटूथ इतना अच्छा नहीं लगता है। वीवो को इस चीज के ऊपर काम डेफिनेटली करना चाहिए। तो दोस्तों ओवरऑल यही था वीवो V27 का अनबॉक्सिंग और एक छोटा सा हैंड्स ऑन रिव्यू। काफी प्रीमियम फोन लगा मुझे,
इस रेंज के अंदर काफी प्रीमियम फोन विद गुड स्पेसिफिकेशन, साथ ही में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कैमरा भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। मुझे तो डेफिनेटली काफी अच्छा फोन लगा, कुछ कुछ चीजें ड्रॉबैक थे लेकिन सब कुछ मिला के एक अच्छा पैकेज है इस प्राइस रेंज के अंदर। अगर आपका कैमरा प्रायोरिटी है और साथ ही में एक अच्छा डिस्प्ले और अच्छा लुक्स वाला फोन चाहिए तो डेफिनेटली इस फोन के ऊपर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दे और ऐसी और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस फोन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट में जल्दी से पोस्ट कर दे क्योंकि इसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।